विद्वान शिक्षकगण, हमारे प्यारे विश्वविद्यालय के इस प्रतिष्ठित विद्यालय के छात्र कर्मचारीगण, और अभी मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ अपने आदरणीय प्राचार्य जी का, जिन्होंने आपके बीच में कुछ अपने हमें विचार रखने का अवसर दिया, और गंगवाल जी ने तो काफ़ी कुछ बता दिया है और मुझे लगता है कि उसमें कुछ बचा ही नहीं, शेष नहीं है। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि मुझे लगा कि अपने विद्यार्थियों को, यहाँ के विद्यार्थियों को बताना चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी और जो हमारे राष्ट्रपिता कहे गए, राष्ट्रपिता का संबोधन सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने किया था, और यदि कुछ त्रुटि हो जाए तो क्षमा करें, मैं किसी का, और एक मुझे खुशी बहुत है कि मेरा स्कूली जीवन जो है वो भी राजकीय विद्यालय से भी था। इस बात को मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं राजकीय इंटर कॉलेज बलिया से मैंने इंटरमीडिएट पास किया था, तो मैं आपकी वेशभूषा में मैं भी बैठता था इसी तरीके से। तो दो विभूतियों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ा हुआ है और दोनों में कुछ समानता है, जैसे कि दोनों को सादगी पसंद थी, दोनों ही सत्य पर अड़े रहे और दोनों ही दृढ़ निश्चयी थे। ये बहुत ही सामान्य दोनों में, दोनों का जन्मदिन एक ही 2 अक्टूबर को हुआ, अलग अलग वर्षों में हुआ, लेकिन 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं तो हम मनाने का मतलब, वो तो मर चुके हैं, वो तो अमर हो चुके हैं, लेकिन हम उन्हें मरने नहीं देना चाहते, इसीलिए हम कहते हैं अमर अमर। मोहनदास करमचंद गांधी तुम्हारी तरह जब छोटे एक स्कूल में पढ़ते थे तो उनकी माँ बहुत दिनों तक बीमार रहती थी, प्रायः बीमार रहती थी, उनकी वो सेवा करती थी। एक बार उन्होंने होमवर्क नहीं किया, रोज कक्षा में अध्यापक खड़े करते किसने किसने होमवर्क नहीं किया, मालूम चला सबसे आगे मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास ने अपना होमवर्क नहीं किया तो उनकी खूब पिटाई हुई। तुम जानते हो जब हम भी छोटे थे तो हमारी बहुत पिटाई होती थी, तो हमारे जो पिता के बराबर लोग थे तो उनकी बहुत पिटाई हुआ करती थी। अब तो मारने पर रोक लगी है और अब तो ऐसा जो दंड नहीं दिया जाता बच्चों को, तुम लोग सौभाग्यशाली मैं मानता हूँ, हम लोग भी बहुत मार खाए हैं तुम लोगों की तरह बैठे। तो मोहनदास को जब अध्यापक उनके गुरु मार रहे थे, पीट रहे थे, तुमने होमवर्क नहीं किया, तो गांधी ने उत्तर में कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप मार खाते। एक उनके साथी को पता था कि मोहनदास की माँ बीमार है और माँ की रात भर वो सेवा करता है तो होमवर्क नहीं कर पाता। उसने बाद में गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मोहनदास कुछ नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला कि वो झूठ नहीं बोल सकता। उन्होंने बुलाया मोहनदास को, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी, तुम होमवर्क नहीं कर पाए? तो मोहनदास ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और यदि मैं सत्य कहूंगा जिसको आप विश्वास, मैं कहता कि मेरी माँ बीमार है और इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया है तो आप विश्वास नहीं करते, आप मुझे झूठा समझते, इसलिए मुझे मार खाना है लेकिन कुछ बोलना नहीं। इतनी बड़ी बात। गांधी कभी भी, हम लोग मजाक करते थे, पता नहीं तुम लोगों में है कि नहीं है, जब किसी बच्चा, कोई बच्चा थर्ड डिवीजन से पास होता था तो कहता गांधी डिवीजन कहता था। गांधी ने कभी भी प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान अपनी कक्षाओं में प्राप्त नहीं किया। ये क्या संदेश देता है? जो बच्चे अपनी कक्षाओं में प्रथम स्थान लाते हैं, द्वितीय तृतीय स्थान लाते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि अनुशासित है, इसका मतलब है कि मेहनत करते हैं, लेकिन जो नहीं लाते हैं उनके लिए रास्ते बंद नहीं हो जाते हैं। ऐसे सैकड़ों महापुरुष हैं जिन्होंने अपने स्कूली जीवन में कभी भी प्रथम स्थान नहीं प्राप्त किया। प्रथम स्थान को एक ही छात्र से मिलेगा, द्वितीय स्थान को एक ही छात्र से मिलेगा, लेकिन तुम्हारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। लेकिन तुम्हारे रास्ते कैसे खुलेंगे जब गांधी के दिखाए हुए रास्तों पर चले? गांधी ने कहा, गांधी ने हमेशा साधन को महत्व दिया, साध्य को महत्व कभी नहीं दिया। क्या मतलब है? साध्य का मतलब है टारगेट, हमें फर्स्ट लाना है। गुरु जी के हम काम नहीं करेंगे, गुरु जी से प्रैक्टिकल में नंबर सिफारिश करके ले आ देंगे, हम अपने पड़ोस पास वाले बैठे हुए छात्र से, अपने साथी से नकल करें, गांधी को यह मंजूर नहीं। इसीलिए गांधी ने जब स्वतंत्रता संग्राम में जब भाग लिया तो दो विभाजन हो गया, एक गरम दल और एक नरम दल। गांधी को हथियारों पर भरोसा नहीं, गांधी ने कहा स्वतंत्रता हमको चाहिए लेकिन साधन हमारा पवित्र होना चाहिए।
तुम्हारे नंबर 60% 50% मंजूर है लेकिन हम नकल नहीं करेंगे, हमारे पास जो है उसी को मैं लिखूंगा। ये गांधी जी का कहना था। गांधी ने कहा कि हमारे देश की अधिकतम जनता गरीब है, हम गरीब लोग कुछ खड़े होंगे, अंग्रेजों का विरोध करेंगे लेकिन हथियार नहीं उठाएंगे, क्योंकि हथियार एक गलत साधन है। जिन देशों में, विश्व के जिन देशों में हथियारों के बल पर स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, वो आज भी हथियार आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की सरकारें गिराते रहते हैं। तो महात्मा गांधी की बहुत बड़ी बात। दूसरी बात सुनो, 1890 में जब अफ्रीका में एक मुस्लिम व्यापारी के वकील बनकर गए दूसरे देश, 1890 में, मैं कभी कभी सोचता हूं कि फर्स्ट क्लास में यात्रा कर, अंग्रेज ने उठा के, शायद मुझे याद है पीटर्सबर्ग या किसी तरह का नाम था उस स्टेशन का नाम, आज भी वहां गांधी की मूर्ति है, उनको उठा के अंग्रेज ने फर्स्ट क्लास के डिब्बे से फेंक दिया। ऐसे तुम्हारे हमारे जीवन में ऐसे कितने अवसर आते हैं जब हमें बर्दाश्त करना पड़ता है ऐसे अत्याचारों, तुम्हारे माता पिता को, हम सब लोगों को, तुम लोगों को भी। लेकिन क्या होता है, गांधी उठ खड़े हुए, गांधी का दृढ़ निश्चय देखो, गांधी ने संकल्प लिया कि हम इस अत्याचार को सहन नहीं करेंगे, और इसके खिलाफ उन्होंने अफ्रीका, दूसरे देश, भारत का नागरिक अफ्रीका में जाकर बिगुल बनाता बजाता फिर 1915 में आकर यहां पर सबको इकट्ठा करते हैं और बिगुल बजाते हैं। हर साल तुम्हारा एडमिशन होता है मार्च अप्रैल में, तुम संकल्प लेते हो 20 साल तो हम पढ़े, वो संकल्प कितने दिन चलता है तुम्हारा, हम भी विद्यार्थी थे, नई नई किताबें, हमारा एडमिशन जुलाई में होता था, नई नई किताबें खरीदते थे, उस पर कवर लगाई जाती थी और संकल्प लेते थे कि हम इसको पढ़ेंगे, इस साल खूब मेहनत से पढ़ेंगे, फिर 1-2 महीने बाद संकल्प हमारा कहाँ जाता था पता नहीं, संकल्प हवा हो जाता था। लेकिन संकल्प शक्ति की दृढ़ता देखो, कंसिस्टेंसी देखो, उस पर निरंतरता देखो, और इसके बिना तुम्हें कोई टारगेट, तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। याद रखना कि जो स्कूल में तुम्हारा डिवीजन है वो तुम्हारे जीवन का अंतिम अंतिम तुम्हारा वो लक्ष्य नहीं है। तुम्हारा जीवन तो इतना बड़ा है कि स्कूली शिक्षा बहुत छोटी है। तो जो विद्यार्थी प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं, प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो नहीं प्राप्त करते हैं उन्हें साधन की पवित्रता बनाए रखें। हम ज्ञान अर्जित करेंगे लेकिन हम नकल नहीं करेंगे, हम नौकरी के लिए पूरा जोर लगा देंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन हम किसी घूस का सहारा नहीं लेंगे, किसी सिफारिश का सहारा नहीं लेंगे। अभी कल ही हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, दशरथ मांझी का नाम सुना किसी, तुम लोगों में बिहार के एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब व्यक्ति दशरथ मांझी, पिक्चर भी बन चुकी है, दशरथ मांझी पहाड़ पे रहता था, पहाड़ के पीछे अस्पताल था, उसकी पत्नी बीमार पड़ी, रात में वो अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल नहीं ले जा सका, या डॉक्टर अस्पताल पार नहीं कर पाया, रास्ता बहुत दूर से था, उसने संकल्प लिया कि हमको रास्ता बनाना है पहाड़ को तोड़ना, अकेला आदमी संकल्प लेता है कि हम इस पहाड़ को काट कर रास्ता बनाएंगे, और अकेला आदमी कुल्हाड़ी से उसे मारता रहता है, तोड़ता रहता है पहाड़ को, लोग हंसते हैं, आसपास के लोग हंसते हैं, तो क्या कर रहा है, वो रास्ता बना पाएगा पहाड़ पे, अकेला आदमी उसने रास्ता बनाया, पूरी पहाड़ को काट कर उसने रास्ता बनाया अस्पताल जाने का, लेकिन उसका उसमें क्या था, उसमें दृढ़ता थी, निरंतरता थी, लगे रहने की क्षमता थी। गांधी सुनो, गांधी ने कहा कि हम मीट मछली शराब का सेवन नहीं करें, तो नहीं किया उन्होंने, लंदन भेजे गए, बहुत अमीर परिवार के गांधी नहीं थे, दीवान के बेटे थे, दीवान का मतलब राजा का नौकर होता है, और नौकर को हमेशा वेतन कम मिलता, एक बात ध्यान रखना, लेकिन उस राज्य परिवार में एक अच्छाई थी कि बच्चों को बाहर भेजने के लिए राज्य सहायता प्रदान करते, उन्होंने बाहर भेजा, लंदन में पढ़ाई की, लंदन में बहुत ठंड पड़ती है, दोस्त तुम लोग कभी सिगरेट नहीं पीते हो, चार दोस्त कहेंगे अरे यार कुछ नहीं होता, एक बार मजा लेके देखो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर दृढ़ता नहीं है, तुम्हारे अंदर संकल्प शक्ति की कमी है, इस संकल्प को विकसित करना है, और ये संकल्प शक्ति जन्मजात नहीं होती है, इसको विकास कर, जैसे तुम पढ़ते हो संकल्प शक्ति भी विकास की जा सकती है, हम नहीं ये काम नहीं करें,
उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि हम मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे। उन्होंने अपने माँ को वचन दिया था कि हम शराब का सेवन नहीं करेंगे। लंदन में लोग हंसते थे, बहुत ठंड पड़ती है कि शराब को बिना पिए कोई जीवित ही नहीं रह सकता। उन्होंने सेवन नहीं किया। वो हिंदू धर्म में जन्म लिए, वो लंदन में ईसाइयों का बाहुल्य है, अफ्रीका में ईसाइयों का बाहुल्य है। मुस्लिम और ईसाइयों ने मिलकर गांधी को प्रयास किया। उन्होंने कहा हमारा धर्म बहुत खराब होगा, लेकिन वो हमारा मातृधर्म है, हम अपने मातृधर्म को नहीं छोड़ेंगे, हम उसकी बुराइयों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। गांधी को एक बात बहुत पीड़ा देती थी, बहुत पीड़ा देती थी। मैं भी हिंदू हूँ, बहुत सारे लोग हिंदू हैं, हम लोग बहुत सफाई की बात करते हैं। सुबह सुबह 4 बजे ही 5 बजे ही घर के सब लोग स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम केवल अपने अपने शरीर की सफाई पर ध्यान रखते हैं। उससे पड़ोसी हमारे बाथरूम का पानी दूसरे के बेडरूम में चला जाए, ये मंजूर है। हम अपना कूड़ा दूसरे के घर में फेंक दें, ये मुझे मंजूर है। गांधी जब गांधी बन जाने के बाद बहुत पैसा उनको मिलता था बैरिस्टर से, लेकिन उन्होंने अपना अपना अपनी सफाई, अपने घर के लैट्रिन की सफाई खुद अपने हाथ से करते थे। उनकी पत्नी को यह मंजूर नहीं था, उनके बच्चों को मंजूर नहीं था, लेकिन कहते थे कि नहीं ये हमें खुद करना। और मैला ढोने की प्रथा का बहुत विरोध किया, जातिवाद का बहुत गांधी ने विरोध किया। और गांधी कहते थे कि हमारी बुराइयां हमारे घर की बुराइयां हैं, हम उसको दूर करेंगे, हम उसके लिए लड़ेंगे, लेकिन हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, अपने देश को नहीं छोड़ेंगे, अपने देश के लिए काम करेंगे। तो हमारे हम बहुत समय आपका नहीं लेंगे, क्योंकि मैं भी जब बैठता था अपने स्कूल में तो लगता था कब खत्म होगा और कब हम यहाँ से भागे ये भाषणबाजी। तो बच्चों मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ कि आज दो महान विभूतियों का आज जन्म दिवस है, एक हमारे राष्ट्रपिता जिनको राष्ट्रपिता, इनको एक बार ये चाहते प्रधानमंत्री बन जाते, चाहते राष्ट्रपति बन जाते, महात्मा गांधी। इन्होंने कोई पद नहीं मांगा, कोई पद नहीं मांगा, और इनका जनता पर इतना बड़ा प्रभाव था गांधी का। गांधी माउंटबेटन से मिलने जाते थे, गोलमेज सम्मेलन में जब ब्रिटिश जाते थे तब भी वही धोती पहने जाते थे। हमने पढ़ा है कि उनका चम्मच जो है, उनका चम्मच टूट गया था, उस टूटे हुए चम्मच में एक लकड़ी लगाकर उसका प्रयोग करते थे। गांधी का जब प्रभाव बढ़ने लगा तो विरोधियों की संख्या भी बढ़ने लगी, तो गांधी को बहुत लंबे लंबे पत्रों में गालियां लिखकर लोग भेजते थे, कई कई पन्ने की। गांधी पढ़ते उसको, उसकी जो आलपिन निकाल के रख लेते और उस पन्नों के पीछे रब करते थे, चलो कुछ भी तो दिया हमको। उन्होंने लोग कहते अरे बापू आपने तो गाली दिया उसने, आप इसको फाड़ के फेंक के फाड़ेंगे क्या, इसके पीछे सादा है, इस पर रब करेंगे। उस पर तो कोई चीज बेकार नहीं होती है, जो उन्होंने कहा जो गाली दे रहा है वो भी कुछ हमें दे रहा है। दूसरी बात की गांधी प्रभावित, हम आजकल हमारे बच्चे प्रभावित हो जाते हैं, किसी के पास बंगला है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास महंगे कपड़े हैं, गांधी से प्रभावित नहीं होते थे। गांधी ने दिखा दिया कि बहुत सादा जीवन रहकर भी हम बहुत ऊंचा काम करते। बच्चों तुम्हारे पिता बहुत गरीब होंगे, कोई मायने नहीं रखता, तुम्हारी प्रगति में कोई रुकावट नहीं है। तुमको मैं बता दूं कि तुम आज किसी भी विद्यालय में प्रवेश ले सकते हो, तमाम बैंक उपलब्ध है तुम्हें लोन देने के लिए। कभी इस बात से मत घबराना, कभी इस बात से मत चिंता करना कि हमारे पिता गरीब हैं, और कभी इस बात से प्रभावित मत होना कि तुम्हारे साथी के पिता बहुत बड़े पद पर, कभी मत प्रभावित होना। तुम्हारे अंदर वही शक्ति है, तुम्हारे अंदर वही ताकत है जो उस अमीर परिवार के बच्चों के पास है। तुम उससे तुम्हें बस केवल क्या ध्यान देना है कि तुम्हें सत्य का सहारा लेना है, तुम्हें अपना आचरण सही करना है, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का की आज्ञा का पालन करना, लेकिन अपना टारगेट तैयार करना है। और ये पढ़ाई में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारे जीवन का निर्धारण नहीं है। मैं तुम्हारे बीच में बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, एक ही दो विद्यार्थी एक प्रथम श्रेणी, एक प्रथम अच्छा, दूसरा द्वितीय, बाकी तो सब नीचे है, लेकिन तुम्हारा जीवन रुक नहीं जाता। तो गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जो सादगी थी, जो दृढ़ता थी, दृढ़ संकल्प शक्ति थी, और उस संकल्प में निरंतरता थी। संकल्प में निरंतरता हम लोग नहीं बनाए रखते हैं। तुम संकल्प लेते हो कि आज से हमें काम करेंगे, कल भूल जाते हो, कल भूल जाते, उसको भूलना नहीं है। याद रखना बच्चों
कि दूसरों से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हारे अंदर ईश्वर का वही अंश है जो बाकी विद्यार्थियों में। तुम किसी भी पद पर जिसको तुम बहुत ऊंचा समझते हो तुम प्राप्त कर सकते हो। बस तुम्हें केवल निरंतरता बनाए रखनी है। अनुशासन, अनुशासन का मतलब ये नहीं होता कि लाइन में बैठ जाना अनुशासन। अनुशासन का मतलब ये है कि अपने आज्ञा, बड़ों की आज्ञा का पालन करना और अपनी अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए उस पर प्रयास करना। तो मैंने कहा दशरथ मांझी एक बहुत गरीब अभी इंसान, बहुत गरीब था, उसने पहाड़ को तोड़ दिया। तुम भी पहाड़ को तोड़ सकते हो। सिर्फ इन दोनों महान विभूतियों को हम क्यों अमर बनाए रखना चाहते हैं? क्योंकि हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को बताना चाहते हैं कि नहीं, बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार। भगवान बुद्ध ने हमको एक संदेश दिया था अहिंसा का, लेकिन गांधी ने अहिंसा को परिवार, महात्मा बुद्ध ने इस अहिंसा के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। गांधी ने कहा कुछ नहीं है, अहिंसा का पालन हम परिवार में रह के कर सकते। गांधी ने बुद्ध के संदेश को अपने आचरण में लिया, अपने परिवार में लिया। लेकिन क्या तुम जानते हो गांधी के कितने बच्चे थे, कहां कहां आज है कोई नहीं जानता। गांधी को अपने, तुम बच्चे हो अपना काम करो, कहते थे बच्चों से तुम अपना काम करो, हम अपना काम करो, कोई किसी के सहारे नहीं। इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि तुम्हारे माता पिता गरीब हो सकते हैं लेकिन तुम्हारी प्रगति में कभी वो गरीबी बाधक नहीं बननी चाहिए। तुम तो इतने बड़े सौभाग्यशाली हो, मैं आज अपने को भाग्यशाली मानता हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई और इस विद्यालय की स्थापना 1901 में हुई। मुझे तो आज मैं अपने को बने ईश्वर पर मैं सोचता हूँ, किसी जन्म का मेरा पुण्य था कि मैं आज आप लोगों के बीच इस विद्यालय में यहाँ पर उपस्थित हूँ और मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। महात्मा गांधी काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में, उसकी स्थापना राजाओं के सहयोग से हुई। जब उसकी स्थापना दिवस पर बड़े बड़े महाराजा, महाराजा नाम सुनकर क्या मालूम होता है, बड़ी सी पगड़ी होगी, बड़े से हीरे के हार होंगे, लोग पहने हुए आए थे। महात्मा गांधी बुलाए गए क्योंकि उसकी देशों की स्थापना भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था, जो कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष भी हैं। तो मालवीय जी के निवेदन पर गांधी जी आए थे और गांधी जी ने कहना क्या शुरू किया, तुमको आश्चर्य होगा, जिनसे गांधी जी ने दान लिया था उन्हीं को धिक्कारना शुरू किया। कहा ये राजा महाराजा लोग बैठे हुए हैं, इनके घरों में जाओ तो तुम्हें इनका लैट्रिन बहुत गंदा मिलेगा। गांधी की ये बात सुनकर राजा खड़े हो गए, नाराज हो गए। गांधी ने अपमानित किया सफाई को लेकर, ये राजा महाराजा जो सोने चांदी पहने हुए हैं इनके घर बहुत गंदे होते हैं क्योंकि ये गंदगी अपने हाथ से साफ नहीं करते। वो तो जिन राजाओं महाराजाओं से दान लिया था उन्हीं को गांधी ने बुरा भला कहना शुरू किया। गांधी को इस बात की परवाह नहीं थी कि कौन कितना सोना पहना है, कौन कितना गहना पहना है, किसी के पास अमीर है गरीब है। गांधी को यह था कि मुझे सत्य नहीं छोड़ना, मुझे अब जो संकल्प लिया है अंग्रेजों को भारतवासियों के द्वारा ही, गरीब जनता के द्वारा ही यहां से भगाकर छोड़ना है। गांधी ने सत्याग्रह दिया। आज दुरुपयोग भी हो रहा है, तुम भी अपने घर में दुरुपयोग करते हो कि मम्मी आज हमको मैगी नहीं मिलेगी तो हम खाना नहीं खाएंगे। गांधी भी उपवास रहते थे। तो आज कोई भी हमारा गलत भी कोई मांग है सरकार के खिलाफ हम अनशन करने बैठ जाते हैं, लेकिन गांधी, बस मैं अपनी बात वाणी को विराम देता हूं, इन दो महान पुरुषों की सादगी को ध्यान देना। सादगी बहुत बड़ी चीज है। तुम्हारे पड़ोस में कोई बहुत भव्य मकान होगा, बहुत बड़ा होगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। सत्य निष्ठा, सत्य पर टिके रहे लोग, साधन की पवित्रता बनाए रखना, तुम्हें बहुत बड़े बड़े साध्य मिल जाएंगे, बहुत ऊंचे स्तर पर जाओगे। लेकिन जो तुम्हारा निश्चय है उसकी निरंतरता बनाए रखना, इसी निवेदन के साथ रहना।